जगत जननी जनक दुलारी माँ सीता जी का आज आविर्भाव दिवस है और इस अवसर पर सभी जो भक्तगण हैं वो खूब आनंद भाव से माँ सीता जी को याद कर रहे हैं और खूब भजन कीर्तन हो रहे हैं और विशेष रूप से आयोजनों में यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में आए हैं और विशेष यहाँ पर उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है जनक दुलारी श्री सीता जी का आविर्भाव दिवस होने की वजह से यहाँ खूब आनंद ठाट से भजन कीर्तन भी हो रहे हैं और खूब यहाँ पर बधाइयाँ गाई जा रही हैं। किस तरह के आयोजन हो रहे हैं और क्या कह रही हैं ये महिलाएं भक्त, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जय। आज हम सब महिलाएं प्रभु श्याम मंदिर में माता जानकी का जन्म उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामनवमी के ठीक एक महीने बाद वैशाख नवमी को माँ सीता जी का जन्मदिन है, वो सब हम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी को सीता माँ के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप बताओ आज क्या विशेष रूप से आज के होस्ट हमारे जयमाला जी है। तो माता जानकी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और सभी सखियों के साथ बहुत हिल मिल के और हम लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। तो क्या प्रेरणा मिलती है माता सीता जी से? माता सीता जी से त्याग की हमें शिक्षा मिलती है कि उन्होंने एक तपस्वी रूप में पूरी जिंदगी अर्पण कर दी और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी। तो माता जानकी से हम त्याग और सीता जी प्रतिव्रता नारी थी बस उनसे यही प्रेरणा मिलती है सभी को। में भगवान राम सीता ने मानव लीला करके जन्म लिया, सिर्फ ये मानव का एक संदेश था कि जब हम भी मनुष्य जीवन में आएंगे
जीवन में सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, दोनों में हमें संभाव रखना है। भगवान राम के चेहरे पे आपने देखा होगा जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तब भी उतनी ही खुशी थी, और जब वो वन गमन के लिए जा रहे थे तब भी उतनी खुशी थी। और जो सहन शक्ति माँ सीता ने रखी वो हर नारी के लिए संदेश है। वो राजकुमारी थी, वो भी महलों में पली बड़ी थी, लेकिन जब वो ससुराल में आती है, आते ही उनको वनवास जब होता है तो वो खुशी खुशी वन में जाती है अपने पति के साथ। तो वो हमें नारी धर्म ये सिखाता है कि ससुराल में भी चाहे सुख हो दुख हो हमें समभाव से अच्छे से रहना है, प्रेम से रहना है, सहन शक्ति की भावना रखनी है, त्याग की भावना रखनी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जयंती जो विलुप्त हो रही है, हर समाज इसको मनाए ताकि जो नारी शक्ति है, नारी के जो गुण हैं उनका दूसरों में भी जो फॉलोअप है या अनुसरण है वो कर सकेंगे। तो हर जैसे अन्य जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, सीता माता की जयंती को भी बहुत से मनाने का प्रयास करना चाहिए। सीता जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ प्रभु श्याम मंदिर में एकत्रित हुए हैं। हम अपनी सखियों के साथ सेक्टर 7 से यहाँ आए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको अन्य सखियों के साथ आज भजन का मौका मिला है, अवसर मिला है। और सीता माता के गुणों का बखान हमारी ताकत नहीं है कि हम अपने शब्दों से उनके गुणों का बखान कर सकें। उनके अंदर अतुलनीय गुण, अतुलनीय शक्ति थी जो कि एक धरती से प्रकट हुई, धरती में समाई, इतना संघर्ष किया, वन वन भटकी, पिता का, अपने ससुर का, छोटों का, बड़ों का, सबका मान रखते हुए अपने जिस आदर्श और कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसके लिए हमारे पास शब्द छोटे हो जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन हर नारी को सीता माता के कुछ एक या दो गुणों को अपने जीवन में स्थापित करके, उनका अनुकरण करके, हम एक महिला होने का, एक नारी होने का एक अच्छा सा आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। सीता माता की जय। और प्यार की एक मूर्ति थी, बस वही कहूंगी सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बताओ सीता मैया के जैसा तो जीवन में सबको अपना आचरण अपनाना चाहिए। उन्होंने वनवास में होते हुए भी पति के साथ जो पत्नी धर्म निभाया उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए सब सीता मैया की तरह से सब अपना अपना आचरण सीता मैया का जन्मदिन है तो आनंद तो बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा था आनंद से सीता मैया का जन्मदिन। आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, हम लोग पे लग रहा। बोलो आप बोलो। सीता मैया के जन्मदिन पर खूब आनंद आ रहा है। सीता में हमें बहुत गर्व है कि सीता माता जी जो है अपने पति श्री राम जी के साथ सुख और दुख में हमेशा साथ रही है, और इससे हम नारी जाति को भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा, भगवान के भजन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बोलो। बहुत ही अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ सीता नवमी के ऊपर, और ऐसा अनुभव सब ऐसा आनंद सभी सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। आनंद की अनुभूति बोलो, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। का तो सम्मान होना ही चाहिए, और भारतीय संस्कृति में तो नारी वैसे भी हर चीज में आगे रही है, चाहे वीरांगना हो, चाहे सतयुग में हो, चाहे कलयुग। अब कलयुग में आगे रहना उसकी वो दूसरे समाजों क्या शिक्षा, और सारे समाज में नारियों का सम्मान तो करना ही चाहिए। जो भी ज्यादा रीति रिवाज कुरीतियां हैं उसको दूर करें और नारी को आगे बढ़ाए, यही मेरी सबसे अपील। तो पेटू माके
जननी परम आराध्या भगवती सीता जी का आज आविर्भाव दिवस है और देश और दुनिया में ये महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनकपुर हो या अयोध्या या दुनिया का कोई भी कोना, सभी जगह माता सीता का आविर्भाव दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी भक्त खूब आनंद ले रहे हैं इस अवसर का और खूब भजन कीर्तन कर रहे हैं। Yeah.